हेलो फ्रेंड्स, आप में से काफी सारे लोग हैं जो साइड स्पीड सीखना चाहते हैं। और फ्रेंड, आप लोग को मालूम होना चाहिए कि साइड स्पीड सीखने के लिए क्या क्या आपके लिए रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मैंने देखा है कि काफी सारे लोग हैं, यानी कि काफी दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और रिजल्ट अभी तक नहीं मिलता। अगर आप लोग मेरे स्टूडेंट की बात करें, यानी कि देखिए स्क्रीन पे इन लोगों ने कैसे ओपन कर लिया, तो मैं आपको बताऊं। फ्रेंड, अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से या फिर प्रॉपर वे जो टेक्निक होती है, सेगमेंट होता है, अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग को समय तो लगेगा ही और प्लस आपका पेन भी होगा। तो फ्रेंड, आपको बता दूं, अगर आप अपने पेन को रिड्यूस करना चाहते हो और अपने गैप को भी, तो एकदम करेक्ट वे और करेक्ट टेक्निक का इस्तेमाल यानी कि यूज करना होगा। मैं हूं शिवम शर्मा, प्रोफेशनल योगा टीचर, आप सबका स्वागत करता हूं जीवन योगा स्टूडियो की एक और फ्रेश वीडियो। आप लोग अगर चैनल पे जीवन योगा स्टूडियो के नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और रिंग करिएगा बेल आइकन को, ताकि इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव एंड लेटेस्ट अपडेट आसानी से आपको मिलती रहे। फ्रेंड, आप में से काफी सारे लोग हैं जो काफी साल से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और वो लोग को काफी दिनों से पेन भी होता रहता है जब भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या फिर उनका गैप अभी तक कम नहीं हुआ। तो फ्रेंड, इसके पीछे की वजह है राइट वे का नहीं पता होना, यानी कि राइट मसल्स कैसे ओपन करेंगे, जैसे कि आपकी टेंसर फेशियल लाटे, इलेक्ट्रिक लंजेस यानी कि इलेक्ट्रिक मसल्स, आपका ही फ्लेक्सर मसल्स। अगर आप अभी तक उन मसल्स तक नहीं पहुंच पाए, उन मसल्स को भी स्ट्रेच नहीं कर पाए, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं डेवलप कर पाए, तो फ्रेंड आप लोग का साइड स्पीड अभी तक इसलिए नहीं ओपन हो पाया और यहां तक कि आपका पेन भी खत्म नहीं हो पाया, क्योंकि आप लोग ने प्रॉपर मसल्स को कैसे फ्लेक्सिबल करना है, क्या टेक्निक हो सकती है, ये सब आपको नहीं मालूम। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपको काफी सारी टेक्निक्स भी बताऊंगा और काफी तरीके बताऊंगा जिससे आप अपनी इलेक्ट्रिक मसल्स को ओपन कर सकते हो, यहां तक कि हिप ओपनिंग भी कर सकते हो। तो फ्रेंड, आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करेगा। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड, चलिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका गैप है ये क्यों नहीं कम हो रहा है, आप लोग के साथ होता क्या, एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम आती है, चलिए देखिए। फ्रेंड, इसमें आपको जो बता रहा हूँ, यानी कि जो आपका एक पैर है, आगे आप स्लाइड करते हो और एक पैर जब आप पीछे ले जाते हो तो आपकी जो टो की पोजीशन है ये भी गलत होती है। देखिए, आप लोग करते क्या है, आप अपने टो को आगे रखते हैं और पीछे वाले पैर की टो से बता रहा हूँ, और आपने करेक्ट कैसे करना है, यही टो आप पीछे रखोगे और दूसरा जो आगे वाला हील है इसको आपने ऐसे रखना है नीचे और टो आपका हवा में रहेगा। फ्रेंड, तभी आप आगे अच्छे से स्लाइड कर पाओ। लेकिन फ्रेंड, आप लोग जितनी भी लिमिट आपकी रहती है, यानी कि इसके अलावा आगे नहीं जा पाते, तो फ्रेंड उसके पीछे की वजह आपकी हैमस्ट्रिंग मसल, जो कि फ्रेंड आप लोग की काफी स्टिफ होती है, यानी कि वीक होती है, ओपन नहीं होती, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी कम होती है। तो फ्रेंड, इसमें तीन पार्ट होते हैं आपकी हैमस्ट्रिंग मसल में। पहली होती है फ्रेंड आपकी बाइसेप्स पेरिमेंबरस मसल, दूसरी होती है आपकी सेमी मेम्ब्रेनस मसल, तीसरी होती है आपकी सेमी टेंडिनस मसल। तो फ्रेंड, ये तीन मसल अगर आप लोग की ओपन नहीं है तो आप लोग का लेग आगे अलग कभी भी आराम से नहीं जा पाएगा, स्मूथली नहीं खुल पाएगा। फिर उसके बाद लेकिन इसके अलावा भी एक और पार्ट है आपका हिप फ्लेक्सर मसल्स का, जो कि आपकी ओपन नहीं होती है और आप लोग अपने कमर को नीचे टच नहीं कर पाते हो। तो फ्रेंड, ये सारी चीजें आप लोग की आती है प्रॉब्लम, जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो फ्रेंड, आप जानते हैं कि कौन सी टेक्निक से जो इन सभी मसल्स को, इन सभी चीजों को ओपन करेंगी और हमारे मिडल स्पीड यानी कि साइड स्पीड को भी खोलने में हेल्प करने वाली है। तो फ्रेंड, चलिए देखिए। सो फ्रेंड, स्टार्ट हम लोग करते हैं अपने क्वाड्रेसिप मसल्स को ओपन करके। फ्रेंड, आप में से काफी सारे लोग हैं जो क्वाड्रेसिप मसल्स को फोकस ना करके डायरेक्टली अपनी स्प्लिट यानी कि साइड स्प्लिट को करना शुरू कर देते हैं। तो आप में करना क्या है, आपने पहले क्वाड्रेसिप मसल्स को ओपन करना है। तो फ्रेंड, आप लोग कैसे करोगे, चलिए देखते हैं। आपने करना क्या है, अपने एक पैर को अपने इस तरीके से आगे लाना है और एक पैर को अपने पीछे ले जाना। तो फ्रेंड, आप इससे होगा कि आपका टेंसर फैसियल लाटे जो मसल है, यानी कि आपकी हिप फ्लेक्सर की मसल ओपन होगी। तो कैसे होगी, अपना एक पैर आगे था और एक हाथ, जैसे कि आपका एक यानी मेरा लेफ्ट लेग है तो आपका लेफ्ट हैंड भी साइड में होगा और जो आपका राइट लेग पीछे है उसको ऐसे रखिएगा। काफी लोग ऐसे रख लेते हैं, मेरे ऑनलाइन जो स्टूडेंट है जिन्हें मैं सिखाता हूँ वो ऐसे रख लेते थे, बट आपने करना क्या है, करेक्ट इस तरीके से आपने पूरा एकदम सीधा रखना है। फिर अपना एक पैर पीछे लिया और अपने एंकल को होल्ड किया, यानी कि इस तरीके से होल्ड कर रहे हैं। अब जो आपकी कमर का पार्ट है यानी कि जो पेल्विस है, केवल इसको ही आप नीचे ले जाओ ऐसे, वन टू, यानी कि जो आपका क्वाड्रेसिप मसल्स है इसको ओपन करना, इसकी मसल्स को एकदम स्ट्रेच करने के लिए आपने ये एक्सरसाइज इस तरीके से परफॉर्म कर ये, और चाहे तो अपना येलो लेग को भी ऐसे करें, वन टू थ्री। इससे भी क्या होगा, ये अगर येलो जो पैर है इसको आगे लाओगे तो आपका जो टेंसर मसल है यानी कि हिप फ्लेक्सर मसल है इसको ओपनिंग होने में हेल्प मिलेगी, और अगर आप पकड़ के केवल आगे ले जाओगे ये, इससे क्या होगा, आपकी क्वाड्रेसिप मसल ओपन होगी।
तो फ्रेंड ये टेक्निक आपने फॉलो करनी है जो कि आपकी क्वाड्रेसेप मसल्स ओपन करने में हेल्प करेगा। इसके बाद एक और तरीका है जिससे आप अपने क्वाड्रेसेप मसल्स और अपने हिप फ्लेक्सर यानी कि टेंसर फेसियल लाटे मसल्स को ओपन कर सकते हो। तो फ्रेंड कैसे करें, इसके लिए आपने इस तरीके का एक चेयर लेना है और उसके बाद फ्रेंड आप लोग करोगे क्या, आप इस तरीके से करने के बाद अपने दोनों हाथ नीचे रखोगे, फिर अपना एक नी इस तरीके से चेयर के ऊपर रख दिया, जो आपका टो है वो इस तरीके से ऊपर प्लेस किया और एक पैर आप आगे ले जाओ और दोनों हाथों को साइड में रखोगे, जो आपका नी होगा वो आपके चेयर के एज पे होगा लाइक दैट। उसके बाद आपने करना क्या है, एक पैर आगे ले जाते हुए फिर दोनों हाथों को आपने इस तरीके से पास, आपने करना क्या अपनी कमर को इस तरीके से नीचे ले जाना। फ्रेंड ऐसे करने से क्या होगा, आपका जो क्वाड्रेसेप मसल है और जो आपका फ्लेक्सर मसल है इसको आपने क्या करना है, ओपन करना है, तो ओपन होने लगेगी, इससे क्या होगा आपको स्ट्रेच भी आएगा और ओपनिंग भी होगी। तो आपने अपने एक तो टो ऊपर रखे और अपनी कमर नीचे रखोगे इस तरीके से ले जाओगे और प्लस एक हाथ आगे इधर और एक हाथ आगे इधर रहेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपका फ्रंट लेग अगर अपने हिंगी को स्लाइड करना चाहते हो तो आप लोग ने अपनी हैमस्ट्रिंग मसल्स को भी ओपन करना होगा। तो फ्रेंड हैमस्ट्रिंग मसल्स में आपके तीन पार्ट है, आपकी बाइसेप फेमोरल मसल्स, आपकी सेमी मेम्ब्रेनस मसल, आपकी सेमी टेंडनस मसल्स को भी आपने स्ट्रेच करना है। अब ये कैसे करोगे कुछ टेक्निक्स आपको बता रहा हूँ, चलिए देखते हैं। फ्रेंड आपने कैसे परफॉर्म करना अपनी टेक्निक को, इसके लिए आपने अगेन एक चेयर चाहिए और अपनी टो को आपने इस तरीके से एज पे रखना है चेयर के और एक पाव इस तरीके से पीछे रखोगे, जो ये टो है आपकी कैमरे की डायरेक्शन में जैसे मैं रखे आपको दिख रहा होगा और फिर दोनों हाथों को सेपरेटली आपने चेयर के साइड में प्लेस करना है। सो वन एंड टू इस तरीके से प्लेस किया, आफ्टर दैट अपनी स्पाइन को इरेक्ट करोगे यानी कि सीधी करोगे, देन डीप इनहेल लेना है, लंबी गहरी सांस लिया, एक्सहेल अपनी नी को स्ट्रेट करना है एंड एक्सहेल फॉरवर्ड। इस तरीके से आपने अपने पंप करना है अपने थाइस को, क्वाड्रेसेप मसल्स को, अपने एब्डोमिनल एंड अपने चेस्ट के सपोर्ट से अपने सर को भी साइड में आपने ले जाना है। फ्रेंड इससे होगा क्या, आपकी सेमी मेम्ब्रेनस मसल जो आपकी है ये नी के जस्ट पार्ट वाली और काफ मसल्स है वो आपकी क्या होंगी, स्ट्रेच होंगी यानी कि उन मसल्स की आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। सो फ्रेंड चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट टेक्निक जो कि आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स को अच्छे से और ओपन कर सकती है, काफी ज्यादा स्ट्रेच आपको देगी। तो इस टेक्निक के लिए भी आपने क्या चाहिए, अपने चेयर चाहिए और फिर कैसे परफॉर्म करना है ये आपने इस तरीके से बैठना होगा और उसके बाद अपना एक लेग इस तरीके से चेयर के ऊपर प्लेस करना, फिर उसके बाद दोनों हाथों को आपने सेपरेटली इधर एक इधर रखा दूसरा इधर रखा एंड आफ्टर दैट अपने डीप इनहेल लेके फिर अपने दोनों हाथों को अंदर ले जाना है यानी कि आपका राइट और लेफ्ट हैंड दोनों आपके लेफ्ट और राइट लेग के चेयर को पकड़ना है, एक अंदर और दूसरा इधर, आपकी नी स्ट्रेट रहनी चाहिए, फिर इनहेल लोगे एंड एक्सहेल डाउन करो। फ्रेंड जैसे ही आप नीचे जाओगे आपकी बाइसेप फेमोरल मसल्स फिर उसके बाद आपकी सेमी मेम्ब्रेनस मसल फिर आपकी सेमी टेंडनस मसल भी स्ट्रेच होती चली जाएगी। तो फ्रेंड काफी अच्छी ये टेक्निक है, इसको आपने परफॉर्म। फ्रेंड अब बात करते हैं आपकी हिप फ्लेक्सर मसल्स को आपने कैसे ओपन कर रहे हैं, यानी कि कौन सी टेक्निक्स हैं जो आपके हिप फ्लेक्सर मसल्स को यानी कि टेंसर फेसियल लाटे मसल्स को कैसे स्ट्रेच करोगे। सो फ्रेंड चलिए देखते हैं। फ्रेंड इसके लिए आपने करना क्या होगा, आपने एक चेयर लेनी है अगेन, तो उसके बाद क्या करोगे आपने अपना एक लेग इस तरीके से प्लेस किया चेयर के एज पे और एक पैर आपका इस तरीके से पीछे रहेगा और ये जो टो है वो आपकी कैमरे की साइड में रहेगी इस तरीके से। आफ्टर दैट दोनों हाथ आपने यहाँ पर इस तरीके से प्लेस किए साइड में और फिर डीप इन लेके अपने पेल्विस को आपने आगे के लिए ले जाना है, ठीक है इस तरीके से। आप चाहो तो दोनों हाथ ऊपर पकड़ सकते हो इस तरीके से एंड आफ्टर दैट डीप इन देन अपने पेल्विस को आगे लेके वन टू। फ्रेंड याद रखना काफी लोग गलती कर रहे हैं, मैं जब ऑनलाइन सिखाता हूँ तो गलती करते हैं, जो कि नहीं है वो आप लोग क्या करते हो इसको पीछे स्ट्रेट कर देते हो फिर आगे जाते हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपने, आपने अपनी नी बैंड नी करके रखनी है और केवल अपने पेल्विस को ले जाओगे। गलती ये भी करते हैं आप लोग की अपनी अपर बॉडी को ले जाओगे बट ऐसा नहीं करना, आपने केवल अपने पेल्विस को ले जाना और सामने देखना है वन टू। काफी लोग के नी पे भी स्ट्रेच आएगा बट ये वेरिएबल होना चाहिए, उतना ही स्ट्रेच देना जितना वेरिएबल कर सकते यानी कि टॉलरेट कर सकते। फ्रेंड एक और एकदम बहुत बढ़िया बेहतरीन टेक्निक है जो कि आपको हैमस्ट्रिंग मसल और आपके हिप एरेक्टर्स हिप फ्लेक्सर्स सभी मसल्स को ओपन कर सकती है, उसको अगर आपने परफॉर्म करना है तो उसके लिए आपने एक चेयर चाहिए इस तरीके से क्लासिक चेयर और फिर देखते हैं कैसे इसे परफॉर्म करना है। फ्रेंड आपने करना क्या है, अपने चेयर का यूज करना है और चेयर के ऊपर एक तरीके से पैर रखना है, कैसे अपना राइट लेग उठाया और टो को इस तरीके से प्लेस के ऊपर के लिए और जो नीचे वाला पैर है इसको थोड़ा सा अपने पीछे शिफ्ट करना होगा आराम से और देन उसके बाद डीप इनहेल लेना है
बॉडी को थोड़ा डाउन करोगे इस तरीके से और आपके दोनों पैर जो होंगे वो आपने अंदर यानी कि चेयर के लेग्स को आपने पकड़ लेना। फ्रंट इस तरीके से पहले आपने राइट हैंड को राइट लेग को पकड़ा चेयर के, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड पकड़ा आपने लेफ्ट लेग पकड़ा चेयर का। इस तरीके से आपने फिर दोनों हाथों को पकड़ने के बाद आप डीप ब्रीथ लोगे और अपनी नी को आगे की ओर ले जाओगे सर को भी। इस तरीके फ्रेंड आपने इस तरीके से अपनी बॉडी को यानी कि आगे की ओर ले जाना है और अपने हैमस्ट्रिंग मसल्स अपने एडक्टर्स और आपकी हिप ओपनिंग भी होने लगेगी क्योंकि हिप ओपनिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फ्रेंड एक और टेक्निक है जो कि आपकी हिप फ्लेक्सर मसल और क्वाड्रिसेप मसल और हैमस्ट्रिंग मसल्स को भी ओपन करेगी स्ट्रेच करेगी, इसको भी आप फॉलो करेंगे। तो कैसे कर रहे हैं आपने, इस तरीके से आप लोग नी के सपोर्ट पे बैठेंगे और फिर आपने अपना एक लेग आगे ले जाना है और ईज होगी आपकी इस तरीके से आपकी नीचे रहेगी और टो आपका रुक यानी कि छत की तरफ आपका होगा डायरेक्शन का। फिर आपने दोनों हाथ नीचे रखने, अब क्या करोगे आप लोग अपना नी इस तरीके से प्लेस कर रखा है पीछे, फिर अपने एक लेग को उठाया और अपने एंकल को होल्ड कर रहे हैं इस तरीके से और जो आपका आगे का पैर यानी कि मेरा लेफ्ट लेग उसी के साइड यानी कि लेफ्ट हैंड भी लेफ्ट साइड में ही प्लेस करना है। फिर आप लोग अपने इस तरीके से एंकल को पकड़ा हुआ है और अपनी हील को क्या करोगे आप आगे के साइड करोगे ये। तो फ्रेंड आपका नी स्ट्रेट होना चाहिए और जैसे जैसे आप नीचे ले जाओगे आपकी क्वाड्रिसेप मसल्स यानी कि इस वाले रीजन और आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स में स्ट्रेच आएगा। तो फ्रेंड ऐसे स्लाइड करने की कोशिश कर रहे हैं ये। तो फ्रेंड आप लोग का काफी गैप हो सकता है स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करोगे तो, पर धीरे धीरे क्या होगा आपका एक गैप कम होता जाएगा। बट आपको मैं बता दूं कि आप लोग को स्लाइड करने के लिए कोई कपड़ा या फिर स्लाइडर भी यूज कर सकते हो यानी कि नीचे आप कुछ रखें अपनी स्लाइडिंग के लिए आपने ट्राई करना है। तो फ्रेंड इस तरीके से आपने ट्राई करना। सो फ्रेंड आप लोग ने आज जो तरीके देखे जो टेक्निक देखा जो वे देखा आपने अपने साइड स्ट्रिप में यानी कि कैसे प्रैक्टिस करनी है। फ्रेंड इस तरीके से यानी कि सेगमेंट पूरा मैंने बताया इससे आप प्रैक्टिस करोगे फ्रेंड आपको बहुत जल्दी रिजल्ट भी मिलेगा और फ्रेंड आपको पेन भी नहीं होगा और आप एनाटॉमिकली सीख पाए। तो फ्रेंड ये काफी अच्छी टेक्निक है, अगर आपको फ्रेंड ये काफी अच्छी लगी हो प्लीज लाइक करना वीडियो को और चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना प्रेस करना बेल आइकन ताकि इसी प्रकार की लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आसानी से आपको मिलती रहे। और फ्रेंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करना फेसबुक पे व्हाट्सएप पे ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट हो जो कि आप लोग को भी होगा। तो फ्रेंड चलिए आज में इतना ही।